बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आई एम सैयद अनिलशा। आज जो मैं टॉपिक है, आज हम सीखेंगे कि चेन रूल को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक प्रॉब्लम दिया गया हो, इस तरह से डेरिवेटिव अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वहाँ यहाँ पर ए जो है बिलोंग करती है इसके साथ रियल नंबर के साथ, तो इसका आप डेरिवेटिव किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे आप चेन रूल। यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि चेन रूल अप्लाई करेंगे, सही है। तो लिखते हैं टॉपिक, फाइंड डेरिवेटिव बाय चेन रूल, या चेन रूल। आप क्या करेंगे, आज आप डेरिवेटिव निकालेंगे चेन रूल की मदद से, सही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, सपोज करें ये आपको एक फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सही है। तो आप सबसे पहले लेंगे लेग, जो अंडर रूट में जो ये फंक्शन दिया गया है आपको, उसको आप लेग लेना है, सही है। ले लें u, लेता हूं u इज इक्वल x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, सही है। अब ये u, मैंने सपोज किया कि u की ये वैल्यू है लेग ये में, अब ये u की जो वैल्यू है मैं रखूंगा ऐसे y इज इक्वल अंडर रूट में y u इसके बराबर इक्वल ले गया मैंने, तो अंडर रूट में ये, सही है। तो ये जो आपने u लिया है इसकी डेरिवेटिव लें, इस तरह से आप डेरिवेटिव लेंगे इसकी, इसे मैं लिखता हूँ डी यू विथ रिस्पेक्ट x, क्या डी एक्स, सही है, इज इक्वल एक्स की डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव क्या होती है, पावर को नीचे लाएं और पावर में कट करें 2x, 2x, और ये मींस क्या है, ये नंबर है कोई ना कोई, इससे बिलोंग करता है ये नंबर से, मींस ये का नंबर है, नंबर की डेरिवेटिव क्या होती है, वो होती है जीरो, सही है, प्लस जीरो, मींस क्या हो गया, ये हो गया जीरो प्लस, सही, ये मींस खत्म हो गया, सही है। अब जो आपने लेट किया है, अब उसकी डेरिवेटिव निकालें, जो ले लिया वैल्यू पुट की फंक्शन में, अब इसकी डेरिवेटिव निकालें डी वाई अपान डी यू, क्योंकि डी यू क्यों विद रिस्पेक्ट यू, सही है, इज इक्वल पावर मींस क्या, यू अपान यू का पावर क्या होगा, वन अपान टू, मैं लिख सकता हूं उसको, सही है, डी वाई अपान डी यू इज इक्वल टू पावर को नीचे लाएं, सही है, वन अपान टू यू पावर में एक कट करें माइनस वन, सही है। तो क्या होगा, डी वाई अपान डी यू इज इक्वल टू पावर में कट करें वन अपान टू, कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस वन अपान टू, सही है। तो जो इक्वल होगा वन अपान टू, सही, ये नीचे जब ये पावर हो गया माइनस का, अब जब नीचे इसको लाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का, प्लस में मैं इस तरह से इसको रख सकता हूँ अंडर रूट यू, सही है। अब आपको बताऊंगा कि चेन रूल ये होता है, चेन रूल डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपान डी यू इंटू डी यू अपान dx, सही। तो आपने ये है चेन रूल, क्या है, ये है चेन रूल। अब हमें जरूरत पड़ी है कि हम चेन रूल को अप्लाई करें, अप्लाई चेन रूल, अप्लाई चेन रूल, सही है। अब आपको जरूरत पड़ी है कि आप चेन रूल को अप्लाई करें, सही है। अब dy अपॉन dx इज इक्वल dy अपॉन du, du अपॉन dx, तो आपको ये दोनों ही वैल्यू है, सही है, ये डी अपन डी यू की वैल्यू जो ये है, सही है, और दूसरी क्या, डी यू अपन डी एक्स, डी यू अपन डी एक्स ये आपको मिली फाइंड की है, सही है। आपको ये दोनों वैल्यू मिली है, जो आप लेट ले रहे हैं उसका डेरिवेटिव निकालें, और जो लेट डी है उसकी वैल्यू उस फंक्शन पुट करें जो आप फंक्शन गिवन दिया गया है, सही है। अब जो दोनों वैल्यू है मैं उसको ये कुछ साफ कर रहा हूं और वैल्यू में लिख रहा हूं, सही है।
ये है चेन रूल, सही है, डी वाई अपान डी यू इंटू डी यू अपान डी एक्स, सही है। तो इसमें वैल्यू पुट करें, डी यू अपान डी एक्स वैल्यू दी गई है और मैंने यहां पर लिखी थी इसकी वैल्यू डी वाई, डी वाई अपान डी यू की वैल्यू क्या है, वो क्या है वैल्यू, वन अपान अंडर रूट टू अंडर रूट यू, सही है। तो वे ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, डी वाई अपान डी यू वैल्यू रखें, वन अपान टू अंडर रूट यू इंटू डी यू अपान डी एक्स की वैल्यू क्या दी गई है आपको, इंटर टू एक्स जो आपने निकाली है, इंटर टू एक्स, सही है। तो ये टू टू में कैंसिल हो जाएगा अपान डी एक्स, सही है। और एक्स अपान अंडर रूट में ये यू है, यू की वैल्यू रखें जो आपने ले ली थी, क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपका हो गया आंसर, ये आपका निकल गया क्या डेरिवेटिव बाय चेन रूल। और आपको पता चल गया कि चेन रूल क्या होता है और चेन रूल से किस तरह से फॉर्म की जाते हैं, ठीक है। खुदा हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।